लाइफ हैक्स जो कि हमारी जिंदगी को आसान और किफायती बनाने के काम आते हैं, एटलीस्ट पर्पस तो उनका वही रहता है। पता है, लाइफ हैक्स सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में बस एक ही चैनल का नाम आता है, 5 मिनट क्राफ्ट्स। तो आज ना हम, मतलब मैं और आप मिलके 5 मिनट क्राफ्ट्स के कुछ कैंपिंग हैक्स देखने वाले हैं, क्योंकि बाय चांस अगर कभी लॉकडाउन खुला, बाय चांस बोला मैंने, तो हम कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स कैंपिंग करने जाएंगे। सो या, With that being said, let's roll the intro. मुझे नहीं पता किस पार्टी में खाना अलाउड नहीं होता, पर अगर नहीं होता तो मत लेके जाओ। 2-3 घंटा ना ठूसने से तुम मर नहीं जाओगी, और अगर खाना ठूसने की इतनी ही जरूरत है तो घर पे रह जाओ ना, क्योंकि पकड़ी गई तो भाई बहुत गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी। आई डोंट थिंक कि ये वाला पॉसिबल भी है, क्योंकि इट्स प्लास्टिक, इट विल एक्सपेंड एंड एक्सप्लोर। और मछली को तो भून के भी खाया जा सकता है ना। आई हैव लो स्टैंडर्ड्स, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर कैंपिंग जाके बॉयल्ड सार्डिन कैंडल लाइट डिनर किसी को नहीं करना। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या डाला उस बॉटल में, कोई इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं हुए हैं वीडियो में। मुझे नहीं मालूम कि हमें कोई दैविक शक्ति आके बताएगी कि उसमें क्या डाला। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं जुगनू पकड़ के बॉटल में भर लूँ तो भी इससे ज़्यादा रोशनी आएगी। मतलब सोचो, तुम कैंपिंग कर रहे हो और लाइट्स चली जाए तो तुम मार्चेस नहीं जलाओ, नहीं, तुम ये सब निकाल के साइंस एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाओ, क्योंकि कैंपिंग में लोग यही तो सब तो लेके जाते हैं, एक मिस्टीरियस सा पाउडर। It doesn't matter how you feel. क्या आपने कभी प्यार किया है? अगर नहीं किए हैं तो इन अगले कुछ हैक्स से आप रिलेट नहीं कर पाओगे, और अगर किए हैं तो भी रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों अलग ही लेवल में चलते हैं। आउटर अर्थ इंटेलिजेंस है इनके पास। क्या तुम ये कर सकती हो? अगर नहीं कर सकती तो तुम्हें रिलेशनशिप में रहने का कोई हक नहीं है। आई मीन, भाई को इतनी भी बुरी जरूरत तो नहीं थी शूलेस की, टू बी ऑनेस्ट। और मतलब, क्योंकि वो जूता निकल तो नहीं रहा है यार। ओह, मैं भी क्या लॉजिक ढूंढ रही हूँ। इस हैक को देख के तुम्हें लग रहा होगा कि ये दोनों गधे हैं, पर नहीं, तुम खुद गधे हो जो अभी तक मस्कीटो रिपेलेंट से काम चला रहे हो, क्योंकि 5 घंटों तक चींटियों से फेरोमोन्स कलेक्ट करना तो बहुत ही किफायती है ना। पता भी नहीं ये सब काम भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई इनको भी पता है कि ये सब कोई ट्राई नहीं करने वाला। ये लड़का तो बड़ा हीरो निकला, जीएफ को भुट्टे खाने हैं तो पूरी स्टोन एज भुट्टा सेको मशीन बना डाली। ये ना एक्चुअली में काम कर, मतलब ये जो मशीन है ये एक्चुअली में काम करती है, कुछ सीखो। हालांकि भुट्टा हाथ से भी सेका जा सकता है, जाने दो। बहन, तुम 21st सेंचुरी में हो, तो
तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मैं मान भी लूँ कि इसके पास मोबाइल फोन नहीं है या टावर नहीं है या बैटरी खत्म हो गई है, तो भी हमें बीच जंगल में कोक का कैन कहाँ से मिलने वाला है? और ये गधा, इसको इसके चीखने की आवाज सुनाई नहीं दे रही, पर विसल की आवाज तो पूरी साइरन की तरह बजती है ना। देखो, मैंने पहले ही बोला था आई हैव वेरी लो स्टैंडर्ड्स, इसलिए मैं ये मार्क्स यूज करती हूँ। इनको तो मार्क्स भी विक्टोरिया सीक्रेट के चाहिए। क्या मस्त प्रोटेक्शन मिलती होगी ना इस लेस वाले मार्क्स से। पर एक मिनट, वो जिस काम के लिए पहना था वहां के N95 लगा लूं? क्या आप कुछ ज्यादा ही अमीर दिखते हो? क्या आप चाहते हो कि लोग आपको सरक छाप समझे? तो ये हैक सिर्फ आप ही के लिए है। भाई, स्प्राइट की एक बोतल ना 70 रुपए में आती है, 70 रुपए। तो 2 स्प्राइट की बोतल और वो घास वाला वो जो भी है वो खरीदने के बगैर 30 रुपए में चोर बाजार में चप्पलें आ जाएंगी। थ्रॉन प्रोटेक्शन वो भी देती है। पर हाँ, अगर आप अल्ट्रा मॉडर्न भिखारी दिखना चाहते हो तो यू कैन यूज इट, नो ऑफेंस। या फिर क्यों ना हम कुकीज खरीद के ले जाए, यू नो, क्योंकि इस तरह से कुकीज बनाने में ना हफ्ते निकल जाएंगे। कुकी डो, चॉकलेट और मेल्टेड बटर अलग अलग कंटेनर्स में ले जाने के बगैर हम एक ही कंटेनर में कुकीज ले जा सकते हैं। दीज आर जस्ट स्ट्रेट अप डम। टी-शर्ट हेल्प्स टू फिक्स हैंड। हाँ, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स तो काट रहे थे ना इतने दिनों तक हमारा, कि प्लास्टर लगाना पड़ता है, बैंडेज लगाना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। नहीं, टी-शर्ट बांध लो हाथ में और नीचे लिखा है इफ नेसेसरी कंसल्ट अ डॉक्टर। पिंपल नहीं है वो, हाथ टूटा है उसका, इफ नेसेसरी का क्या मतलब है? पर बताए, ये लोग ना बड़ा सेफ खेलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले खुदी के हैक्स की बड़ाई करेंगे और नीचे लिख देंगे दिस वीडियो इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। तुम खुद अपने हैक्स को सीरियसली नहीं लेते तो हम क्यों ले? बाय द वे गाइस, आई थिंक मेरा ब्रेन हैंग हो रहा है, तो आज की वीडियो इसी तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। और हाँ, मैं स्टूडियो सेटअप कर रही हूँ। हाँ, ये दीवार अभी बाकी है, यहाँ भी कुछ लगाना है, बट दिस साइड इज ऑल डन एंड इट इज लुकिंग सो प्रिटी। मतलब ये शेयर कर्टन और लाइट्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। हाँ, कैमरा फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट हाँ, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें खोनी भी पड़ती है, क्योंकि आप सब शायद जानते हो मैं फोन के कैमरा से शूटिंग करती हूँ। सो हाँ, लाइटिंग फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट या इट्स लुकिंग सो प्रिटी। और एक बात, आज से मैं पक्का रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने रूटीन बनाया, मैं कोशिश कर रही हूँ वीक में एटलीस्ट 2 वीडियो अपलोड करने की। सो या आई एम ट्राइंग, प्लीज़ बेयर विद मी। वी आर सो क्लोज टू हिटिंग 1K सब्सक्राइबर्स, सो इफ़ यू हैवन्ट सब्सक्राइब्ड येट प्लीज़ डू सो। वी आर जस्ट सो क्लोज टू हिट 1K। सो या दैट्स इट, कीप सपोर्टिंग गाइज एंड आई विल सी यू गाइज इन द सॉरी I'll see you guys in the next video. Thanks for watching. Take it all. What if everything we do
What if drugs no longer make you feel